आशीष और नंदनी की सुंदर प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में दो प्यारे लोग रहते थे, आशीष और नंदनी। आशीष एक सज्जन युवक था और नंदनी एक सुंदर और दयालु लड़की थी। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। आशीष और नंदनी दोनों उस मेले में गए। मेले में घूमते हुए उनकी मुलाकात हुई। आशीष और नंदनी ने मेले में साथ साथ खेल खेले और मिठाइयाँ खाई। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। समय बीतता गया और आशीष को महसूस हुआ कि वह नंदनी से प्यार करने लगा है, लेकिन उसने अपने दिल की बात कहने का साहस नहीं जुटाया। नंदनी ने आशीष की भावनाओं को समझा, लेकिन उसने भी आशीष से अपने दिल की बात छुपाई। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के तालाब में पानी कम हो गया और सभी परेशान थे। आशीष और नंदनी ने मिलकर गांव वालों की मदद की। संकट के समय में आशीष और नंदनी की मदद ने गाँव के लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आशीष ने नंदनी से अपने दिल की बात कह दी और नंदनी ने भी उसे अपने प्यार का इजहार किया। आशीष और नंदनी की शादी धूमधाम से हुई। गांव में खुशी का माहौल था। वे हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। आशीष और नंदनी की प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार विश्वास, समर्थन और एक दूसरे के साथ बिताए गए समय से बढ़ता है।